ओके, तो सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज का क्लास हम जो कि आज सेकंड लेक्चर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हम शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक एक कहाँ गए। ओके, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम्स टू नमोज एकेडमी। और जो नमोज एकेडमी का खास टीचर्स है, जो हम 3 टीचर एडवांटेज दे रहे हैं, आप सबको शायद पता होगा ये बातें आप सबको पता होगा, 3 टीचर एडवांटेज इन होम ट्यूशन। यस हाँ, तो फीस भी शायद अभी रिड्यूस हुई है, आप अभी देख लीजिएगा इन सबको। और मुझे लगता है साथ साथ हम, ये सबसे पहली बार हुआ है और हम 7 दिन कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, और डाउट क्लास भी अलग, डाउट क्लास के लिए अलग टीचर जाते हैं। ठीक है, और तो ये है हमारा टीम और हम मिलकर सारे मेहनत से काम कर रहे हैं। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले नमोज एकेडमी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ होमवर्क दिया था, आप सबको याद है होमवर्क? हाँ सर, हाँ, हाँ सर, मैंने 3 होमवर्क दिया था। 3 होमवर्क आप सबको याद है? पहला होमवर्क क्या था, कोई बताएगा हाँ सर। क्या था? पहला होमवर्क प्ले एंड गेम ना 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 ना, वो तो तीसरा था। पहला होमवर्क था से एटम्स का नाम सर्च करना था, जो तुम लोग नहीं किए होगे। दूसरा होमवर्क क्या था, उसको शर्मिला बोलना था। ठीक है, उसको कहना था यस सर, सर। हाँ, ये कहे थे, हम बोले थे यस बोले थे, चलो वेरी गुड। सर, दूसरा बोले दूसरा आया ही दूस नहीं। नो अच्छा, आया ही नहीं। अरे यार, सर, नाराज हो गया क्या? शायद सर उसको मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, मना लेना यार। चलो, तुम्हारा आज का होमवर्क एक, उसको तुम मना लेना। ठीक है। पहला होमवर्क तो तुम्हें आज मिल गया, ठीक है उसको सर, फोन करके उसको मना लेना। ठीक है, ओके। अब तीसरा होमवर्क क्या ठीक से था, मना लेंगे। तीसरा होमवर्क क्या था? तीसरा होमवर्क था प्ले एंड एंजॉय, पढ़ना नहीं था। गेम प्ले एंड हाँ हैप्पी सर, हाँ तो कोई पढ़ के आया जो मैंने पढ़ाया था? हाँ गलत बात, मैंने तो यार पढ़ने को बोला ही नहीं था। चलो, पढ़ना तो है ना अपने से। ना, मेरे क्लास में जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, जब मैं देने लगूंगा ना, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा ग्रेड। अगर आप यही कंसिस्टेंसी लास्ट तक बनाए रखते हैं ना, इससे ग्रेट और कुछ नहीं हो सकता है। मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ ले रहे हो, इससे ग्रेट कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब आप टीचर बोलना शुरू कर देता है पढ़ने के लिए, उस वक्त कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ ना, मुझे पता है कहाँ प्रेशर बिल्ड होगा, कहाँ प्रेशर नहीं है, कहाँ प्रेशर बनाना है, कहाँ प्रेशर कम करना है। प्रेशर तो बनाऊंगा मैं, मुझे पता है, तो उस हिसाब से पढ़ें आप। और एक बात और कहना था, शायद मैं भूल गया उसको यार, कहते कहते, खैर बीच में याद आएगी, मैं कह दूंगा। ठीक है, ये था हमारा सब टॉपिक्स, और ये था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ बातें, एंड ये था आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हम यहाँ से शुरू किए थे, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, याद है सबको? जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ, पूरा का पूरा आग लग गया दुनिया में, मतलब बम फट गया। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन जी थे, हमारे प्रिय डाल्टन जी, उनको तो हार्ट अटैक आने वाला था। बट पता है डाल्टन जी को हार्ट अटैक क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है? प्लीज अनम्यूट योर माइक और इस क्वेश्चन का आंसर दें। प्लीज जल्दी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप 5 मिनट अनम्यूट करने में लगा दोगे माइक को। नहीं आता है? नो, जस्ट नो से सर, नो, नहीं आता। नहीं आता है। ओके, बस बात खत्म। आप 5 मिनट अनम्यूट करने में नहीं लगा सकते हो। ओके, देखो, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हार्ट, कौन सी ये बातें थी जो उनको हार्ट अटैक आने से बचा लिया था? मेरे कहने का मतलब, डाल्टन जो थे, डाल्टन जी का एक ऐसा थ्योरी है, 2-3 ऐसा कंसेप्ट लॉज है जो आज तक चलता है, वो कभी फेल हुआ ही नहीं, ना उनको कभी फेल कर पाया कोई भी। वो लॉज क्या था, आपको याद है?
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हैज बीन सक्सेसफुल इन गिविंग कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे ना, आज तक हम वही लॉ पढ़ के जितने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कराते हैं ना, उस चीज को ही फॉलो करते हैं। कौन कौन सा लॉ था ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने बताया था कि नहीं बताया था कल? मैंने बोला था इस चीज को मैं बाद में डिस्कस कराऊंगा ये है क्या, लेकिन मैंने कल बताया था इस चीजों को। हालांकि मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला था, कोई बात नहीं, मैं तो करवा लूंगा याद, मैं तुम्हें क्लास में करवा दूंगा इस चीजों को। तो अच्छा अब एक बात बताओ, अब आंसर दो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कौन सी ये बात है जो उनको हार्ट अटैक आने से बचा लिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था, डीएवी का पेपर पढ़ रहा था मैं, तो उसमें था, तो इसलिए मैं ये ज्यादा गौर करा। हाँ अब याद हो गया ये बातों को? याद नहीं होगा, फिर मैं धीरे धीरे करवा दूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है ना, मैं इन तीन चीजों को और डीप में डिस्कस कराऊंगा ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी अभी बात, ठीक है? सुन लिए? भूल जाओ, भूल गए, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल कर गई थी, ठीक है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हुआ था? बिकॉज द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या हो गया था? डिस्कवरी हो गया था। दैट इज इलेक्ट्रॉन के सॉरी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या हो गया था? फॉर्मेशन हो गया था। इसलिए जो डाल्टन जी कह रहे थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, ये बात क्या साबित हो गया? गलत साबित हो गया। इसलिए अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है? कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ वो हम पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहला बात तो मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ ना, मैं एक ना इसमें समझा देता हूँ, बाकी ज्यादा थ्योरी कंसेप्ट मैं थोड़ी देर से समझा दूंगा। यहाँ पे आ जाए आप, ओके? प्लीज म्यूट योर माइक, रियलमी वन। देखा ना हमने कब रहे निकले, रियलमी वन प्लीज म्यूट योर माइक। नहीं भाई, ओके मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके चलिए, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के, मैं एक कल एक चीज बता रहा था ना। अच्छा मेरी आवाज और मेरी फेस सबको क्लियरली विजुअल है? यस सर है। हाँ और मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर आ रही। ओके चले, क्या लग रहा हूँ मैं? चले कोई बात नहीं। देखो क्या बताया था मैंने, एक बंद डब्बा था, ठीक है? ऐसा पूरी तरह से क्लोज, पूरी तरह से तुम उसमें हवा भी निकाल लिए खींच के, पाइप लगाए खींच कर हवा निकाल लिए। कहाँ गया वो डीओ का डब्बा? नहीं है मेरे पास अभी, तो उसमें से खींच कर निकाल लिए। अंदर एक पैडल व्हील रख दिए, अंदर एक पैडल व्हील रख दिए, मतलब कि अंदर एक चक्का रख दिए। चक्के को घुमाना है, कैसे घुमाओगे? चलो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कैसे घुमाएंगे चक्के को। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो हुआ ये था ना कि डिस्चार्ज ट्यूब था एक, ये उसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। कहाँ गया मेरा नेटवर्क यार इतना? हाँ इसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं क्या बता रहे हो सर आप? बताऊंगा ना, अभी सुनते जाओ बस, लास्ट में सब पूछ लेना थोड़ा। हाँ तो इसको बोलते हैं, हाँ ये तो इसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। ये पहले से डिस्कवर हो गया था। जे जे थॉमसन जी को मन नहीं लग रहा था, लैब में बैठे हुए थे, ठीक है? उनको कुछ ना कुछ करना था, हमें मन नहीं लगता था, हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो कुछ अजीब अजीब सी घटना कर रहे थे। क्या किए? जो डिस्चार्ज ट्यूब था ना उसमें से क्या किए ना, होल किए, एक होल किए मुंह से घींच कर या मशीन से घींच कर उसके अंदर का सारा हवा निकाल दिए। क्या कर दिए? उसके अंदर का सारा हवा निकाल दिया। लाइक यू आप पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जितना वायर वायर है ना, अब इसको गोली मारिए, चाहे आप यहाँ पे आ जाइए। ये है आपका कुछ शुरुआत का, ये है कुछ, ये पूरी तरह से क्लोज है, ठीक है? क्या किए इसमें? छेदा कर दिए। और यहाँ से क्या कर रहे हैं ये? मशीन लगाकर इसमें से सारा हवा बाहर निकाल दिए, ठीक है?
सारा वाक्य के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी रहने दो। इसमें से सारा हवा बाहर निकाल लिया, अब इसके अंदर कुछ बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। जो हवा थोड़ा बहुत था उसको भी आप क्या कर लिए? बाहर निकाल लिए। गॉट इट? ओके, नाउ जब हवा को बाहर निकाल लिए तब क्या होता है? तब यहाँ पे छेद करके हवा को बाहर निकाल लिए, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब पहले से बना हुआ था, उसके बाद उसमें एक चेंजेस और करते हैं। पहला चेंजेस तो ये कि वो एग्जॉस्ट पंप कर देते हैं, मतलब सारा सारा हवा को बाहर निकाल देते हैं। दूसरा चेंजेस वो क्या करते हैं कि जो उसमें वोल्टेज का सोर्स है ना उसको बहुत कर देते हैं, 10,000 वोल्ट कर देते हैं। नहीं 10,000 नहीं यार, 10^4 लाइक कितना हो गया? हाँ 10,000, ठीक है। जो यहाँ पे वोल्टेज का सोर्स दे रहे हैं ना, 10,000 वोल्ट दे रहे हैं वोल्टेज का सोर्स, ठीक है। 10,000 वोल्ट का यहाँ से जा रहा है। घर में, आपके घर में कितना बिजली आता है? 220 वोल्ट का आता है, ठीक है। मेरे यहाँ अभी कितना है? हाँ तकरीबन 210 वोल्ट के आसपास होगा। मैंने कल ही देखा था, मतलब मैं फोन में देख रहा था इनपुट कितना आउटपुट कितना, तो ऑब्जर्व कर रहा था। तो यार ये 10,000 वोल्ट क्या किए? डिस्चार्ज ट्यूब में पास करा रहे थे सबसे पहले। अब क्या हुआ, क्या हुआ, फिर से सुने मेरी बात पूरी करेंगे। ये हुआ आपका डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने एक एनिमेशन शायद मैंने लिया था यार, कहाँ गया समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया था मेरे पास शायद। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। देखें ये है आपका 10,000 वोल्ट का एक सोर्स, ये है आपका क्लोज कंटेनर, ठीक है। पूरी तरह एक गोल है ऐसे, पूरी तरह से क्लोज है, कहीं भी छेद नहीं। उसमें एक होल करके आप उसमें से हवा निकाल दिए, एंड देन हवा निकालने के बाद आप उसको ढक दिए, यहाँ पे एक एक कांटी ठोक दी आप ऊपर से कि अब हवा नहीं निकलेगा वहां से। यहाँ तक समझ में आया पहला काम। दूसरा काम ये कि आप इसमें क्या किए, एक लगा दिए कैथोड, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, बस सुनते जाना आप। यहाँ पे एक कैथोड लगा दिए, यहाँ पे एक एनोड का प्लेट लगा दिए। अरे सर ये कैथोड और एनोड क्या होता है? पता नहीं यार क्या होता है, अभी बताऊँ मैं? नहीं अभी मैं नहीं बताऊंगा। एक ऐसा समझ लो, एक स्क्वायर कलर का, एक स्क्वायर का स्टील का प्लेट है, ठीक है, उसको वहां पे लगा दिए, ठीक है। हालांकि वो अल्यूमिनियम का प्लेट रहता है वहां पे, वहां पे वो अल्यूमिनियम का फॉइल लेते हैं, यहाँ लगा दिए, एंड देन एक यहाँ लगा दिए लाइक यू सी इन दिस। ओके कैथोड एनोड पे बिल्कुल मत जाना कि सर कैथोड एंड एनोड क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं बता दूंगा। अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये है तुम्हारा कैथोड, ये है तुम्हारा एनोड। ओके यहाँ से ये 10,000 वोल्ट का करंट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। एक यहाँ से तार इन्होंने कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से तार किया, एंड यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो कोई डाउट नहीं पूछेगा यहाँ तक, ठीक है। नाउ ये है कैथोड आपका, ये है आपका एनोड। ओके नाउ जब यहाँ से 10,000 वोल्ट का सोर्स पास हो रहा, अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, हो रहा है तो जो यहाँ जो कैथोड है ना, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये सब ध्यान मत देना, बस सुनते रहो, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे चार्ज कैसे बता दे रहे हो आप, मुझे तो पता ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना यार, ध्यान से। ओके नाउ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है आपका, एक हाँ निगेटिव चार्ज, एक बात बताओ यहाँ पे, जब तुम हाइड्रोजन को आयोनाइज करोगे हाई टेम्परेचर पे, मतलब कि हाई वोल्टेज पे, मतलब बहुत गर्म है, मतलब बर्फ बहुत हीट कर देते उसको, तो ये H+ इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। अरे ये क्या बता रहे हो यार, ये तो मैंने पहली बार देखा अपनी जिंदगी में, मुझे पता है पहली बार देखा। ये एक वैसा ही है जैसे तुमने एक ये पेन है, लाइक एक पेन ले लिया, तुम क्या किए गर्मी के दिन पे गए, मतलब बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, ये और ये टूट गया, लाइक टूट गया ये। सिमिलरली हाइड्रोजन भी, अभी तुम ऐसा ही समझो ना, हाइड्रोजन भी गर्म हुआ, इस साइन का मतलब कहाँ गया मेरा पेन, हाँ इस साइन का मतलब क्या होता है, हीट होता है। हाइड्रोजन को तुमने हीट किया ना तो वो टूट गया, किसमें टूटा, एक H+ में टूटा, एक इलेक्ट्रॉन में टूटा, ठीक है, ये टूट गया, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही जैसे ये पेन टूट गया, ठीक है, तुम अभी इस पे ध्यान नहीं दोगे कि हाइड्रोजन टूटा तो H पे प्लस कैसे आया, E पे माइनस कैसे हुआ, E माइनस क्या है,
एच प्लस क्या है? कुछ नहीं, बस तुम इतना ध्यान दोगे हाइड्रोजन टूटा तो उससे एच प्लस और ई माइनस आया, बस तुम ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना। तुमको शायद पता होगा प्लस चार्जेस किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, माइनस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? और कहीं अगर प्लस प्लस है तो क्या करता है? रिपेल करता है। माइनस माइनस है तो क्या करता है? रिपेल करता है। कैन यू गॉट इट? ओके नाउ सर, सर हाँ सर, एक बार थोड़ा पीछे से थोड़ा अच्छे से बताइए, समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में आएगा, मैं अभी मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा आसान लैंग्वेज बताता हूँ। चलिए ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब जो कि पूरी तरह से क्लोज है, इसमें एक होल करके इसमें से सारा हवा अंदर निकाल लिया गया, यहाँ पे एक प्लेट लगाया गया और यहाँ पे भी एक प्लेट लगाया गया, ठीक है? और इस प्लेट को तार से वायर से कनेक्ट किया गया बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज कितना था? 10,000 वोल्ट का बैटरी था, 10,000 वोल्ट का बैटरी था। अब यहाँ से जाता है तुम्हारा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे है, यहाँ पे करंट जाता है, ठीक है? तो यहाँ से क्या तुम्हारा निकलता है? यहाँ से एक इनविजिबल रेज निकलता है, तुमको पता है? जब वो ऐसा करके देखे ना, वो क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, उसमें होल करके हवा करके सारा सारा उसमें हवा निकाल दिया एंड 10,000 वोल्ट का सोर्स निकाल दिया। अब वो क्या देखें कि उसमें से एक इनविजिबल रेज निकल रहा है। इनविजिबल रेज का मतलब ऐसा रेज जो तुमको दिख नहीं सकता है सर, दिख नहीं सकता। उनको भी इसे दिख गया, वो जादूगर थोड़े है, नहीं। यहाँ पे एक रेज निकल रहा था, क्या किया ना, वो रेज इतना पावरफुल था कि जो यहाँ पे अल्यूमिनियम फॉइल लगा हुआ था ना, अल्यूमिनियम का जो यहाँ पे प्लेट लगा हुआ था, वो अल्यूमिनियम का प्लेट को वो छेदा करके यहाँ पे निकल गया, आगे निकल गया, ठीक है? और यहाँ पे वो क्या लगाए हुए थे, यहाँ पे इस रीजन में वो पता है क्या लगाए हुए थे? इस रीजन में वो जेडीएनएस का कोटिंग किए हुए थे, लाइक जो पेंट होता है ना, पेंट तुम पेंट कर देते हो दीवार पे, किसका पेंट, चूना उना का पेंट कर देते हो तुम दीवार पे, सिमिलरली यहाँ पे ये पेंट किए हुए थे, किसका, जेडीएनएस का पेंट किए हुए थे। ये सब जेडीएनएस का पेंट क्या होता है? कुछ नहीं, जिंक मिलाना, सल्फेट का एस मिलाना, तुम्हारा जेडीएनएस का पेंट बन जाएगा, ठीक है? जेडीएनएस का, तो सर जेडीएनएस का पेंट लगा मतलब क्या, कहना क्या चाहता था? पता है जेडीएनएस का पेंट लगाए थे ना, तो कोई भी रेज जब जेडीएनएस से टकरा रहा था तो चमकने लग रहा था, इसलिए वहां पे जेडीएनएस का पेंट लगाया था, देखने के लिए कि कुछ रेज वेज आ रहा है क्या। तो जो वही जो रेज आ रहा था ना, यहाँ पे जेडीएनएस पर टकरा रहा था तो चमकने लग रहा था, तो उनको पता चल गया, अच्छा 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 वहां से कुछ निकल रहा है, जो जेडीएनएस से टकरा रहा है तो उनको दिख रहा है कि हाँ कोई ना कोई वहां से एक रेज निकल रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है? जेडीएनएस क्या करता है, क्रिएट फ्लोरासेंस, फ्लोरासेंस मतलब चमकना, ठीक है? जेडीएनएस का प्रॉपर्टी क्या है, तुम क्यों, अच्छे सब बताओ क्यों जेडीएनएस को यूज करते हो? चमकने के लिए, कोई भी रेज उससे टकराए वो चमक उठे, फ्लोरासेंस मतलब कुछ नहीं होता है, चमकना मतलब होता क्या है? क्या ओके तो जेडीएनएस का मतलब यही होता है कि चमकना, इट क्रिएट, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्लोरासेंस, इट क्रिएट FLUORESCENCE, सारा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब चमकना, चमकना। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत घटिया यार, चमकना, ठीक है? अब क्या हुआ, यहाँ से कैथोड से निकल रहा था यहाँ जाके चमक गया। तो सर ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आया पूरी पूरी? एक मिनट मैं फटाफट रिकैप देता हूँ यहाँ तक, इसके बाद एक बात बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है वो बात। देखो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है? डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ पे एक लगा हुआ था तुम्हारा प्लेट, प्लेट, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए पहले, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ था, देन यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ था, ठीक है? इस प्लेट में क्या कर दिया, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया नीचे से, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, बहुत बड़ा बैटरी लगा दिए, ठीक है? फिर इस वायर को जाके यहाँ कनेक्ट कर दिए, ठीक है? यहाँ बैटरी का सोर्स था 10,000 वोल्ट था, 10,000, 10,000 वोल्ट था। यहाँ से आप क्या किया, एक होल करके यहाँ से आप क्या कर दिए, सारा जो है हवा को खींच के निकाल दिए, हवा को खींच के निकालने के बाद यहाँ पे फिर आप एक कांटी ठोक दिए ताकि बंद हो जाए, ताकि अब ना निकले। हाँ ये करने, यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक समझ में आया सबको,
ठीक है। अब जब ये इसको यहाँ पे ये 10 वोल्ट को सोर्स को कनेक्ट करके ऑन करते हैं सिस्टम को, तो यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलता है, ठीक है, यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलता है, यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलता है। इनविजिबल रेज मतलब जो दिखता नहीं, उनको कैसे दिख गया? अरे यहाँ पे अल्मोनियम फॉयल लगा हुआ था, क्योंकि इसको होल्ड करके ये इनविजिबल रेज सब यहाँ पे टकरा रहा था। यहाँ पे उन्होंने ZnS का कोटिंग किया हुआ था, ZnS का कोटिंग किया हुआ था, ठीक है। ZnS का कोटिंग मतलब ये इससे टकरा रहा था, तो क्या हो रहा था? चमकने लग रहा था, इसलिए उनको पता चला, अच्छा, कोई यहाँ से रेज आ रहा है, तभी यहाँ से टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है? चमकने लग रहा है, ठीक है। मगर हाँ, ZnS कोटिंग चमक, ZnS का प्रॉपर्टी क्या होता है कि रेज जब भी इसे टकराएगा तो ये चमकने लगेगा, इट क्रिएट फ्लोरोसेंस, ठीक है। यहाँ से कोई रेज आ रहा था, तो जो ये रेज आ रहा था, यार रेज कैसे निकल रहा था? कहने का मतलब ये जो यहाँ पे अल्यूमिनियम फॉयल और यहाँ पे जो अल्यूमिनियम का फॉयल मतलब अल्यूमिनियम का जो प्लेट लगा हुआ था यार, यहाँ तो उन कहने का मतलब तो यार एटम था, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन वो जानते नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे तो यार एटम था, एटम लाइक हाइड्रोजन, इस पे तो कोई प्लस माइनस चार्ज है नहीं, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज है नहीं, तो यार इससे रेज वेज कैसे निकल रहा है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ, ठीक है। तो वही बात है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुए, कंफ्यूज हुए, इसमें गैस भर दिए, सब जगह हाइड्रोजन गैस भर दिए अंदर में, समझ में आ रहा है? गैस भरे, और तुमको पता 10,000 वोल्ट का क्या है, सोर्स है, तो जो हाइड्रोजन किस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मैंने बताया था ना बहुत गर्मी में जैसे पेन टूट गया था, सिमिलरली अब हाइड्रोजन भी टूट जाएगा, टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, ये एच प्लस प्लस ई माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो टूट गया। इनको तो ये बात समझ में आ रहा था कि अंदर हाइड्रोजन भर दिए, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा एक निगेटिव चार्ज एलिमेंट है, कुछ ना कुछ तो एक ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जो यहाँ पे जाकर टकरा रहा है। क्यों? उनको कंफ्यूजन हो रहा था, तो क्या किया ना, यहाँ पे एक पैडल एक चक्का रख लिए, यहाँ पे एक ये चक्का रख लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? चक्का रख लिए, ये चक्का अंदर तो कुछ है नहीं, एच प्लस तो अंदर तो कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतना तेजी से आ रहा था ना, ताकि इस चक्का को घुमा दे रहा था, चक्का घूमने, जब ये चक्का रखे ना यहाँ पे, तो चक्का को घूमने लगा था। चक्का कैसे घूमने लगा, ठीक है, बिकॉज ये है तुम्हारा कैथोड, मतलब कि निगेटिव चार्ज एलिमेंट है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल रहा था ना, तो इस पर टक्कर, निगेटिव, यह जो निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। ना 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 ना, ना यहाँ क्या है ये, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, कैथोड मतलब क्या, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ, काफी गिजमिज हो गया। हाँ, यहाँ पे ये एनोड हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे ये हो गया ये निगेटिव, ठीक है। जब यहाँ से निकल रहा था ना, जब यहाँ पे ये चक्का रखे ना, ये तो ये घूमने लगा। चक्का क्यों घूम रहा है? अंदर तो यार हवा हवा था नहीं, क्यों घूम रहा है? बिकॉज कोई एक ऐसा एलिमेंट इससे टकरा रहा है ना, कि ये घूमने लग रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इस पे टकरा रहा था, ये घूम गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया घूम गया, फिर दूसरा ये टकराया घूम गया। यार इस पे तो सिर्फ एटम था, ठीक है, एटम था, तो यार एटम टकराता तो नहीं घूमता, नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था, घूम रहा था, क्यों? क्योंकि कुछ 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 ऐसा था ना जो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा था। तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन भरे थे, तो हाइड्रोजन भी इस चीज़ को घुमा रहा था, नहीं यार, हाइड्रोजन इस चीज़ को नहीं घुमा पाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन तो इसमें पूरा जगह भरा हुआ था, हाइड्रोजन पूरा तेजी से ट्रैवल थोड़ी कर रहा था, कुछ ऐसा चीज था जो इतने तेजी से ट्रैवल कर रहा था ताकि इसमें टकरा के घुमा पाए, कुछ ऐसा मतलब निगेटिव चार्ज, तभी तो ये पॉजिटिव उस निगेटिव को अपने पास घींच रहा था, समझ में आया? उसको अपने पास घींच रहा था ऐसे पूरा तेजी से, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, अपने तरफ पूरा तेजी से घूम लिया, ये घूमने लगा, अपने तरफ पूरा तेजी से घींच लिया, ये घूमने लगा, अपने तरफ पूरा तेजी से घींच लिया, ये घूमने लगा, ठीक है। तो मतलब इससे उनको कुछ पता चला कि हाँ, कुछ कुछ निगेटिव चार्ज है जो एनोड मतलब जो पॉजिटिव प्लेट है अपने तरफ खींच रहा है, तभी ये चक्का घूमने लग रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कुछ 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 यस सर, पूरा समझ में आया या कुछ कुछ समझ में आया? कुछ 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 आ रहा है, कुछ आ रहा है, अच्छा कुछ चलो कुछ आ रहा है। हाँ ओके, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल, कहाँ तक समझ में आया ये बताओ, तुम लोग ये डायग्राम बनवा दो मेरे से फटाफट, सर, कोई एक बस जने, थोड़ा हाई लेवल का था, कोई हाई लेवल बता रहे हैं हम, लग रहा है लेवल। हाँ थोड़ा हाई लेवल, मैं ना एक्चुअली 12th का बता रहा था, ये चीज सिंपल पता है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक
ठीक है। एयरप्लेन के लिए स्पेशल। अरे हाँ मेरी बात सुनो, मैं यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक रेज निकल रहा है, ठीक है, जब इसको 10,000 वोल्ट को ऑन किया ना, तो यहाँ से एक रेज निकलने लगा, ठीक है, यहाँ से एक क्या निकलने लगा तुम्हारा, यहाँ तक समझ में आ रहा है रेज क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ से ये ऑन किया तो यहाँ से एक रेज निकल रहा है, ठीक है, और जो तुम्हारा ये जो रेज है ना, ये क्या है, रेज निकल रहा है, और यहाँ से रेज जाके यहाँ पे तुम्हारा टकरा रहा है, यहाँ पे रेज जाके यहाँ पे टकरा रहा है, इसको छेदा करके यहाँ पे होल कर करके कर करके यहाँ पे टकरा रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, प्लेट है। अच्छा जेडिनेस का कोटिंग था, इसलिए जो इनविजिबल रेज है यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है, इनविजिबल रेज यहाँ पे क्या हुआ, दिखने लगा, तो ये जो रेज है ना, यही रेज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, फाइनल यही बात है, कुछ नहीं तुम्हारे सिलेबस, समझ में आया, इतना समझ में आया, सर, इतना समझ में आया यस सर। कि जो सर अपने लैंग्वेज में बता दीजिए कि ड्रोन कैसे खोजना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे खोज हुआ। हाँ ओके देखो, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ पे एक प्लेट लगा, यहाँ पे एक प्लेट लगा, दोनों प्लेट को तुम वायर से कनेक्ट किए, ठीक है, यहाँ पे 10,000 वोल्ट का सोर्स ऑन किए, फिर जो यहाँ पे जो प्लेट था ना, यहाँ से रेज निकलने लगा, रेज निकल के जब वहां पे जाके दीवार पे, लगा वो तो वही तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वही मैं थोड़ा सा बता रहा था, रेज रेज क्यों निकल रहा, वो मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, रुक जा, यहाँ पे जो इस पे है रेज टकरा रहा है, जो यहाँ पे जो इस पे रेज टकरा रहा है, तो तुम्हें पता चल जा रहा है कि यहाँ रेज निकल रहा है, बिकॉज तुमने यहाँ पे जेडीएनएस का कोटिंग किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस सर, आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, और दैट रेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, वही रेज है, उनको बाद में पता चला जो एक्सपेरिमेंट वगैरह उन्होंने किया, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, फटाफट कोई एक जने बोलेगा मुझसे फिगर बनवाएगा फटाफट, और मुझे एक्सप्लेन करेगा फटाफट 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 फटाफट, कौन बोलेगा, जल्दी 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 जल्दी, पीयूष हाँ बोलो बोलो, क्या करूँ मैं यहाँ, सबसे पहले क्या करूँ, एक अच्छा एक डिस्चार्ज ट्यूब बना दूँ, सर, हम बनाते हैं सर, खुद बनाते हैं एक सर। बनाओ फटाफट बनाओ, मैं इरेज करता हूँ फटाफट, सर मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है सर, यहाँ एक बैटरी है 10,000 वोल्ट का, ठीक है 10,000 वोल्ट का है सर, मुझे समझाओ, मुझे फटाफट बनाओ, एक बोलते जाओ पढ़ाते जाओ, मैं समझ जाऊंगा फटाफट। प्लस है इधर माइनस है, ये इससे कनेक्ट किए, ये इससे कनेक्ट किए, ठीक है, यहाँ माइनस से सर एक रेडिएशन निकलने लगा, यहाँ सर प्लेटेनियम का एक भी सर की ये लगाया हुआ था, यहाँ पर इस प्लेटेनियम का लगाया हुआ था प्लेट, असर इसको बिल करते हुए यहाँ पर साइन करने लगा, फिर यहीं से सर पता चला एक्सपेरिमेंट कर करके ये रेडी इलेक्ट्रॉन। ओके देखो, यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ था, तुम यहाँ पे एक कह रहे हो कि कैथोड था, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, एक प्लेट लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, एक प्लेट लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा आगे खिसका दो, यहाँ पे लगा दो, ये जो तुम प्लेटिनम या एल्युमिनियम बोल रहे हो ना, यहाँ पे लगा दो, और ये यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, हालांकि कोई बात नहीं, जो तुम सर बोले तो क्या, प्लेट प्लेटिनियम का था कि मैं एल्युमिनियम का, प्लेटिनम, देखो मैंने एल्युमिनियम पढ़ा है, तुम प्लेटिनम, सर प्लेटिनम भी होता है यार, मैं एक बार देख के बता दूंगा, ठीक है, तुम देख लेना, ठीक है, तो ओवरऑल व्यू यही है कि जो यहाँ पे रेज निकल रहा है ना, वो रेज तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ में आ रहा है, हाँ हाँ सर, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि तुम लोगों को लगता है ना कि ये जो रेज है ना इससे निकल रहा है, यार ये रेज इससे नहीं निकलता है, ये रेज जो निकलता है इससे नहीं निकलता है, मैं तुम लोगों को सोचा वो बता दूँ, बट तुम लोगों को समझ में नहीं आया, मैं वो बातें लास्ट में बताऊंगा, ये देखो मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट पे लिखा है, ये कौन किया यार, इससे कैसे बना, अच्छा सब पे आएगा क्या ये, अच्छा मैं मिटा देता हूँ इसको, वही इरेज कर दो इसको, तुम जो बनाए हो, छोड़ रहे, देखो इधर, देखो तो जो ये रेज है ना यहाँ इससे नहीं निकलता, ये अलग हो गया, ओके एक काम करो, तुम इसको इरेज कर दो,
कैसे होगा, मैं जून से करूं? तो नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है। ओ, वेट यार। हो गया ना? चलो, तो समझ में आया कि ओवरऑल क्या था, कि एक यहाँ पर ये था, एक यहाँ पे प्लेट लगा हुआ, एक यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है, उसको वायर से कनेक्ट किए, यहाँ से जो रेज निकल रहा है ना, दैट रेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बात खत्म, यही है पूरा पूरा। मैंने सोचा आज थोड़ा सा डीप बता दूँ, बट समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा से कैच कर रहे हो। यस सर। हाँ समझ में आया, दैट रेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ओके ओके नाउ यहाँ पे ये देखो, एक बार और तुम लोग को मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं 10 मिनट का क्लास थोड़ा सा और ज़्यादा लूंगा आज, ठीक ठीक है ना? ये देखो, तो ये पूरा पूरा तुमको फिगर देख के लग रहा है कि समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यहाँ पे बस कुछ नहीं था, यहाँ पे एक जेरेनियस का कोटिंग था। ये रेज यहाँ पे होल करके यहाँ पे आ जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे टकरा रहा था। तो ये फिगर पूरा पूरा समझ में आया? सर आया क्लियर है ये फिगर? सर। कैथोड एनोड में अंदर क्या है? हाँ कैथोड देखो जो है तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, जो एनोड है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। कैथोड एनोड में अंतर मैं बताऊंगा, बिकॉज अभी आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। कैथोड से जो निकलता है कैथोड रेज निकलता है, एनोड से एनोड रेज निकलता है, ठीक है। कैथोड मैंने क्या बताया कि ये निगेटिव चार्ज कंटेन करता है, और ये जो कनेक्ट होता है कैथोड को, हम हमेशा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं, और एनोड को हम हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अंतर मैं एक चीज़ बताऊंगा जिसमें अंतर तुम्हें और अच्छा समझ, तुम खुद ही बता दोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। सिमिलरली सब चार्ज की बात है, मतलब मैं कह रहा हूँ सब चार्ज की बात है। सिमिलरली क्या देखो, वो रेज का उन्होंने पता कैसे लगाया था, कहाँ गया फिगर, कहाँ गया मैंने सारे फिगर जो कनेक्ट किए थे। हाँ एक बार क्या किया ना उन्होंने, जो रेज आ रहा था ना रेज, वो रेज का पता है कैसे लगाया उन्होंने? बीच में ना एक कोई मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया, उस मेटल ऑब्जेक्ट का परछाई यहाँ पे दिखने लगा। देखो परछाई दिख रहा है ना, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उनको लगा कि हाँ, कोई रेज उस तरफ से आ रहा था, तभी तो यार बीच में रख रहे हैं तो इसका शैडो यहाँ पे बन रहा है, परछाई बन रहा है। दूसरा उन्होंने क्या रख दिया, एक चक्का रख दिया, ठीक है, चक्का रखा, ये इलेक्ट्रॉन इस चक्के से, रेज इस चक्के से टकरा रहा है, ठीक है, और ये चक्का घूमने लग रहा है। तब उनको लगा कि हाँ यार कोई ना कोई पार्टिकल तो है, तो अभी इसे टकरा रहा है तो घूमने लग रहा है। मीटिंग खत्म होने वाला है, ज्वाइन करना है एक बार सब फिर फटाक से। तो वही इससे जो टकरा, ठीक है हाँ, सर। तो इससे जो टकरा रहा है तो घूमने लग रहा है, पूरा तेजी से आ रहा है, पूरा तेजी से आ रहा है। यहाँ प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींच रहा है, तो यहाँ से पूरा तेजी से आ रहा है, तेजी से इसे टकरा रहा है, ये घूमने लग रहा है। समझ में आ रहा है थोड़ा 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 थोड़ा? और ये डायग्राम वही है, दोबारा कनेक्ट करो, ये डायग्राम फटाक से क्लियर करता हूँ, ये भी डायग्राम फटाक से क्लियर करता हूँ, कनेक्ट करो दोबारा फटाक से। ठीक है। डीप करो।